की अगर बात की जाए, पहली बात तो ये चैप्टर बहुत आसान है, बहुत ही आसान, ठीक, और क्वेश्चन आता है हर साल, फिक्स है, ज्ञान नहीं है, एक आध क्वेश्चन तो मिलेगा ही, मेन से भी आ जाता है, एडवांस में भी आ जाता है। तो लिक्विड सॉल्यूशन बेसिकली है क्या, पहले बात हम लोग बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, तो ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करें? हाँ भाई, कौन डिफाइन करेगा, व्हाट इज सॉल्यूशन, बताइए सॉल्यूशन। अपने आप कुछ दिमाग लगाओ, कुछ सोचो, अ मिक्सचर ऑफ मोर देन टू कंपाउंड, और भाई कोई सॉल्यूशन, हाँ पानी और ग्लूकोज का सॉल्यूशन, ग्लूकोन डी, जान में जान डाल दे पीते ही, अच्छा वो वाला, ओके अच्छा, हाँ कह सकते हो सॉल्यूशन तो है। तो बेसिकली देखो, बैठो, सॉल्यूशन क्या होता है बाजरा समझो, जैसे अपन बात करें कि एक होता है, अभी सॉल्यूशन की डेफिनेशन बता रहे हैं, एक होता है हेट्रोजीनियस और एक होता है होमोजीनियस, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। अच्छा होमोजीनियस क्या होता है बोलो भाई, सेम कंपोनेंट्स, ऐसा भाई होमोजीनियस सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन अगर बात करेंगे, यार होमोजीनियस क्या है हेट्रोजीनियस क्या है, हाँ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों सेम फेज में होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली जो होमोजीनियस का मतलब होता है सिंगल फेज सिस्टम, होमोजीनियस का मतलब सिंगल फेज सिस्टम, मतलब होमोजीनियस का मतलब है सिंगल फेज सिस्टम, सिंगल फेज सिस्टम, ठीक है सिंगल फेज सिस्टम। और हेट्रोजीनियस का मतलब मोर देन, क्या कहेंगे, मोर देन वन फेज सिस्टम, मोर देन वन मतलब ये दो तीन, ठीक है। तो बेसिकली अगर अपन बात करें कि भाई यार ये अच्छा फेज कैसे डिफाइंड होगा, फेज कैसे डिफाइंड होगा, मतलब फेज सिंगल फेज डबल फेज कैसे पता चलेगा कि यार सिंगल फेज है डबल फेज है। भाई आपने कहा कि होमोजीनियस मतलब सिंगल फेज सिस्टम, चलो अच्छा है, हेट्रोजीनियस का मतलब चलो डबल फेज सिस्टम ट्रिपल फेज सिस्टम, बट हमें पता कैसे चलेगा कि ये सिंगल फेज है डबल फेज है ट्रिपल फेज है, कैसे पता चलेगा? देखो ऐसा होता है सिंपल, जैसे मान लो आपने ए और बी लिया, ठीक है, मान लो आपने ए लिया बी लिया, ठीक, दोनों को मिला दिया, ठीक है भाई, ए और बी दोनों को क्या किया, मिला दिया। अगर ए और बी मिलाने के बाद आप ए और बी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि कहां ए कहां बी, पहले समझो ध्यान से जो बोल रहे हैं, अगर आपने ए और बी दो लिए, दो एलिमेंट दो कंपाउंड लिए या दो लिक्विड लिए, दोनों को मिला दो, जब दोनों को मिला दोगे तो मिलाने के बाद अगर आप ए और बी को आइडेंटिफाई ना कर पाओ, तो पता नहीं यार ए कहां बी कहां, तो ये क्या हो गया, जैसा होमोजेनियस सिस्टम, समझ आ रहा है, कोई एग्जाम्पल बताओ, चीनी और पानी कह सकते हो, बट चीनी के पार्टिकल कुछ कुछ दिखते रहते हैं, और चीनी हमेशा, चीनी पानी में कितना भी मिला लो चीनी नीचे रहती है, घुलती नहीं है 100%, पता है कि नहीं है। आप गर्मी में शरबत बनाते हो ना शिकंजी, तो उसमें चीनी पानी मिला लो, आप कितना मिला लो, जब आप देखोगे लास्ट में चीनी बचेगी, 100% नहीं घुलती, ठीक है। लेकिन जो मार्केट में वो आता है ना रू अफजा, ना रू अफजा आता है, उसमें चीनी नहीं दिखती, बिकॉज वो मैनुअल नहीं है ना, वो मशीन से बनाए जाते हैं, क्या भाई। तो बेसिकली जैसे और एग्जांपल समझो, जैसे मान लो एयर, एयर में कौन सी गैस है, कौन सी है, सभी हैं, मतलब जितना जानते हो उससे दो चार ज्यादा ही होंगी, मतलब जितनी तुम गैसें जानते हो ना उससे दो चार ज्यादा ही होंगी, क्योंकि बहुत सारी गैस तुम्हें पता ही नहीं है। फॉसजीन गैस होगी, बिल्कुल होगी, अरे हम कहते हैं 0.0009% है, तो है तो भाई कुछ तो होगी ना। तो बेसिकली क्या कि बहुत सारी गैस है, अच्छा ठीक है, एयर में बहुत सारी गैस है, सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है कितना 79%,
भाई एयर में नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो 79% है, ठीक है। क्या तुम ऐसा कह सकते हो नाइट्रोजन कैसी हो, क्या चल रहा है? सोचो, क्या आप नाइट्रोजन को देख सकते हो? देख लो आप भाई, नाइट्रोजन का परसेंट तो बहुत है यार, 79% तो बहुत होता भाई। तो ऐसे बोला और नाइट्रोजन कैसी हो, ऑक्सीजन से बॉन्डिंग वॉन्डिंग तुम्हारी हो रही कि नहीं हो रही? क्या ऐसे कोई स्टेटमेंट दे सकते हो? दिख ही नहीं रही। इसका मतलब क्या एयर, एयर की बात करें, गैस 10 वाट के मिला लोगे तो अलग हो जाएगा, ठीक है। एयर की बात करें तो क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर, जैसे होमोजेनियस मिक्सचर, यानी कितनी भी गैसें मिला लो सबका मिक्सचर क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर। यानी अपन ये कह सकते हैं कि मिक्सचर ऑफ गैस जो होता है वो होमोजेनियस होता है, मिक्सचर ऑफ गैस क्या होता है, होमोजेनियस, ठीक है, ओके। अब मान लो तुमसे कहा जाए कि यार दो लिक्विड है, लिक्विड ए लिक्विड बी, दो लिक्विड ना, गैस का मिक्सचर हमेशा क्या होगा, होमोजेनियस, गैस का मिक्सचर हमेशा होमोजेनियस। अब अगर आपने लिक्विड ए लिक्विड बी मिला दिया तो लिक्विड ए लिक्विड बी का सोल्यूशन क्या होगा, सोचो, हेट्रोजीनियस होगा होमोजीनियस होगा, दोनों हो सकता है। बिकॉज सोच के देखो दोनों कैसे हो सकता है, मिल्क एंड वाटर ले लो भाई, मिल्क एंड वाटर क्या हो गया, एक प्रकार से होमोजीनियस ही है। क्यों, क्यों, अगर हेट्रोजीनियस होता ना तो दूध वाला कभी पानी में, दूध में पानी मिलाता ही नहीं। मान लो दूध वाला है, घर में दूध लाया और पानी मिला के लाया और तुम्हें दिख गया कि साला पानी दिख रहा है, तो उसे लोग थोड़ी ना, साले पानी मिला के लाया तुम, तो इसे पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता ना भाई, तो ठीक है। अच्छा ऑयल एंड वाटर, देखो आप ऑयल वाटर में क्या दोनों अलग अलग दिखते हैं कि नहीं दिखते, इसका मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर, बोलो भाई। तो यानी मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, क्यों भाई, बात समझ आ रही, ओके। अब अपन बात करेंगे, ध्यान समझना, अब अपन बात करेंगे मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स की, दिमाग लगाओ, दो सॉलिड का मिक्सचर है, अगर दो सॉलिड का मिक्सचर है तो होमोजीनियस होगा या हेट्रोजीनियस होगा, जल्दबाजी नहीं, दिमाग लगाओ, होमोजीनियस कभी नहीं होता, मिक्सचर ऑफ सॉलिड हमेशा क्या होता है, हेट्रोजीनियस। आप अलग कर सकते हो ना, बेसिकली जो फेज है ना, फेज, फेज ऐसे डिफाइंड होता है, समझना, फेज का तरीका क्या है कि मैकेनिकली सेपरेबल पार्ट्स, मान लो कोई मिक्सचर, उसको आप मैकेनिकली कितने पार्ट में सेपरेट कर सकते हो, दैट इज नोन एज फेज, सिंपल, मैकेनिकली सेपरेबल पार्ट्स आर नोन एज फेज। तो बेसिकली तरीका क्या, जैसे ऑयल लिक्विड का मैकेनिकली आप दो पार्ट में अलग कर सकते हो, दो फेज, टू फेज सिस्टम, गैस को अलग, सिंगल फेज सिस्टम, समझ आ रहा है। सॉलिड सोचो, मान लो तुम्हारे पास गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, क्या आप गोल्ड और सिल्वर को अलग कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ऑब्वियसली यार अलग कर सकते, देख देख के, बहुत सारे तरीके होते हैं उनका कलर, उनके स्ट्रक्चर ना, ठीक है, तो उसे आप अलग कर सकते हो, अलग कर सकते हो, यानी ये क्या हो जाएंगे, हेट्रोजीनियस, अलग अलग फेज में आप अलग कर पा रहे हो, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। तो अब अपने को जो बात करनी है वो सोल्यूशन की बात करनी है, कि सोल्यूशन बेसिकली क्या है, तो सोल्यूशन जो है वो बात जरा समझो, सोल्यूशन बेसिकली, सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, मतलब सोल्यूशन के लिए कम से कम दो तो होने ही चाहिए भाई। मान लो तुम्हारे पास वाटर है, दिस इज सोल्यूशन, आएगा सोल्यूशन यार वाटर ही है, तो कम से कम कितने होने चाहिए, दो, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं तुम्हारी मर्जी, समझ आ रहा सोल्यूशन का डिफिनेशन। तो होमोजीनियस क्या समझ में आ गया, और सोल्यूशन का डिफिनेशन लिखो, इट इज अ, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, ठीक है भाई, ये बात समझ आई, सोल्यूशन। अब बेसिकली
सोल्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कोई सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन को डिनोट करने के तरीके कि भाई कैसे कैसे डिनोट करते हैं, तो उसके लिए सोल्यूशन के बाद हम लोग बताते हैं कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब यह है कि बेसिकली होता क्या है कि जैसे कोई सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन को कैसे डिफाइन करते हो। वैसे ये क्या है कि जो लिक्विड सोल्यूशन है ना, ये चैप्टर बाद में पढ़ाया जाता है, तो बाद में पढ़ाए जाने से क्या होता है कि भाई आप मोल कॉन्सेप्ट और रेडॉक्स सब पहले पढ़ चुके होते हो, तो ये पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अभी तो पढ़े ही नहीं, तो इसलिए बेसिकली ये रेडॉक्स का पार्ट है, बट इसके बिना सोल्यूशन होता ही नहीं। अगर बाद में पढ़ते तो ये नहीं पढ़ाते, क्योंकि पढ़ चुके होते ना, तो अभी पढ़ाना पड़ेगा। तो कंसंट्रेशन टर्म्स बेसिकली होता क्या है, इसका मतलब होता है किसी भी सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक, तो उसके चार तरीके हैं सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के। कितने तरीके? चार। कैसे? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, अभी सब बताते हैं क्या है। सेकंड, परसेंटेज वेट बाय वेट। थर्ड, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट। एंड फोर्थ, परसेंटेज दिस। देखो, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब इनका बेसिकली क्या मतलब होता है, तो देखो अगर हम बात करें कि यार जो सोल्यूशन है वो बेसिकली दो है, उसमें सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखो ठीक है भाई, एक सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। तो अगर हम बात करें कि देखो ये जैसे लिखा है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, क्या मतलब है इसका? देखो अगर हम कहे कि मान लो एक्स परसेंट वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन, देखो ये मान लो तुम्हारे पास ये गिवन है, इसका मतलब क्या है? अगर समझे कि यार ये जो गिवन है इसका क्या मतलब है, x परसेंट वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन, ध्यान समझना एग्जैक्टली में क्या है कि यहां पे वेट बाय वॉल्यूम है, तो बाय के बाद जो लिखा है, देखो सब में बाय के बाद कुछ ना कुछ लिखा है, दिख रहा है? जो बाय के बाद लिखा है ना वो 100 सॉल्यूशन है। क्या है? 100 सॉल्यूशन। अभी वो यार 100 सॉल्यूशन क्या मतलब है? तो अगर बाय वेट लिखा है, समझना, अगर क्या लिखा है बाय वेट, इसका मतलब वो है 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्या है? 100 ग्राम सॉल्यूशन। अगर बाय वॉल्यूम लिखा है वो क्या हो गया? 100 ml सॉल्यूशन। अब बाय के जो पहले लिखा है वो सॉल्यूट है, समझ आ रहा है? तो जैसे ये लिखा है x परसेंट वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन, इसका मतलब बताओ। हाँ बोलो, x ग्राम किसका? पूरा बोलो, सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन होगा? NaCl। सॉल्यूट कौन होगा? NaCl। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको? ऐसे डिफाइन करेंगे, इसका मतलब ये है कि 100 ml सॉल्यूशन, समझ आ रहा है? 100 ml सॉल्यूशन में बोलो, देखो पहले देख लो, समझ में आना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, समझ आ रहा है? तो वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है कि 100 ml सॉल्यूशन में x ग्राम NaCl है। पहला बात क्लियर हो गई सबको? बोलो भाई, सिंपल, कुछ नहीं करना है, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट, तो बाय के बाद जो लिखा है ना वो 100 सॉल्यूशन है, खत्म। अब बाय वॉल्यूम है तो 100 ml सॉल्यूशन,
भाई वेट है 100 ग्राम सॉल्यूशन, बोलो। तो जैसे ही आया, अब देखो दूसरा अगर समझे, दूसरा क्या है, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वेट। मान लो तुम्हें दिया है कि एक्स परसेंट एस टू एस ओ फोर, क्या दिया, वॉल्यूम बाई वेट ना, एक मिनट। तो एक्स परसेंट वॉल्यूम बाई वेट, एक्स परसेंट वॉल्यूम बाई वेट एच टू एस ओ फोर सॉल्यूशन, चेक करो इसका मतलब, बताओ इसका मतलब, बताएं भाई क्या मतलब है, जल्दीबाजी नहीं बोलो। 100 ग्राम सॉल्यूशन में एक्स एम एल एच टू एस ओ फोर, क्या बात समझ में आ रही, यानी इसका मतलब हो गया कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में एक्स ग्राम एक्स एम एल एक्स एम एल एच टू एस ओ फोर, चेक करो सही है, देखो बहुत आसान है, लेकिन आसान तो है लेकिन तब जो तुम्हें आता हो, देख लो, दो समझ में आ गया सबको, क्लियर है भाई सबको। अब अगर अपन बात करें कि भाई थर्ड थर्ड है अपना परसेंटेज वॉल्यूम बाई वेट, अच्छा इसको कौन सा ले लिया अपने, वॉल्यूम बाई वेट ले लिया, ठीक है। तो अब इसके बाद अपन कहेंगे, मान लो कि एक्स परसेंट सपोज ऐसा लिखा है, इसका मतलब बताओ, बोलो जल्दी, कितना, 100 ग्राम सॉल्यूशन में एक्स ग्राम एनएसीएल है, सॉल्यूट एनएसीएल है, ठीक है भाई। इसका मतलब हो गया कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में एक्स ग्राम एनएसीएल, बोलो भाई सबको समझ में आ रहा है, देख लो। एंड लास्ट मान लो एक्स परसेंट एस टू एस ओ फोर वी बाई वी सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, बताओ क्या करें, क्या कहेंगे, इसका मतलब 100 एम एल सॉल्यूशन में एक्स एम एल एच टू एस ओ फोर, देखो भाई